अमृत कहाँ है, सबको अमृत पे ही है, वो अमृत कहाँ है। सतगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, काहे कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं और विष में ही मगन हैं। तो बताते हैं, काहे कबीर कामो नहीं, जब कामनाएं नहीं होती हैं मनुष्य के मन में तब अमृत होता है। जीव ही मरण न होए, जीव का मरण नहीं होता है, जीव अमृत है। मृत कहते हैं मरे हुए को, अमृत कहते हैं जो न मरे। आत्मा अमर है, वो अमृत है। वस्तुतः सारी सत्ता नित्य है। जो मौलिक सत्ता है वो कभी मिटती नहीं है, बनने वाली चीजें मिटती हैं और मिट करके कारण रूप से नित्य रहती हैं, कार्य रूप से प्रवाह रूप से नित्य रहती हैं। बीज वृक्ष ये प्रवाह रूप से नित्य है, लेकिन भौतिक द्रव्यों का मूल रूप स्वरूप से नित्य है। पूरी सत्ता जड़ और चेतन के रूप में है, जड़ भी नित्य है चेतन भी नित्य है। जो न हो वो कहाँ से आ जाएगा और जो है वो कहाँ चला जाएगा। नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः, ये गीता में कहा गया। जिसका अस्तित्व नहीं है वो अस्तित्व में आ नहीं सकता और जिसका अस्तित्व है वो मिट नहीं सकता। जड़ भी नित्य है चेतन भी नित्य है, दृश्य नित्य है दृष्टा भी नित्य है। दृश्य जड़ है, दृष्टा चेतन है, दोनों नित्य है। आप दृष्टा हैं, चेतन आत्मा अमृत है। अभी पिछली गर्मी में मेरे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में भी काफी लंबे समय तक चले। बिलासपुर क्षेत्र से आगे कोरबा क्षेत्र के पहले जंगली इलाके में मेरे कार्यक्रम थे एक दो। एक कार्यक्रम में कई लोग एक साथ मुझसे मिलने आए, उसमें एक बूढ़ा था जिसने वेद के दो मंत्रों को लिख करके लाया था और कहा महाराज इसके समाधान के लिए मैं बरसों से प्रयास में हूँ। मंडलेश्वर जगतगुरु बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, कहीं समाधान नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरा क्या दम है जो मैं समाधान कर दूं, क्या है दिखाओ। तो एक मंत्र में खास बात थी, दूसरे में कुछ नहीं। उस मंत्र का भाव है ऋग्वेद का मंत्र है, ब्रह्म के एक पाद में जगत है और उसके तीन पाद अमृत में स्थित है। पाद का अर्थ है हिस्सा, 25% ब्रह्म में तो ये जगत है और 75% ब्रह्म अमृत में स्थित है। तो महाराज ये जो
तीन पाद अमृत में स्थित है 75%, वो कहाँ है? तो मैंने कहा केवल कागज में है। तो बहुत अस्तंभित हुआ। मैंने कहा केवल कागज में है और कहीं नहीं। ये भावनात्मक बातें हैं। और चाहता था जहां वो तीन पाद अमृत में स्थित है वो कहां है, वो मिले तो हम भी अमृत हों। वेद में हर अच्छी वस्तु को ब्रह्म कहा है, ब्रह्म नाम बड़ा। वृद्धात से ब्रह्म शब्द बनता है, व्री विस्तार होना, बढ़ना। जो बढ़े वो ब्रह्म, या जो बड़ा हो ब्रह्म। परोक्ष की मान्यता में आदमी भटकता है। तीन पाद अमृत में स्थित है, ब्रह्म को सीमित कर दिया गया।